हाय गाइस, तो क्या आप भी बिगनर्स हो और आपको भी मेकअप करना नहीं आता है? तो आज आपकी इस चैनल में सारी प्रॉब्लम दूर हो जाने वाली है। तो यस, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ एंड मेरे लेटेस्ट शॉर्ट्स के साथ। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना कितना ज़रूरी होता है ये आप लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज मैं बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, व्हाटएवर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, तो उससे पहले आपको स्किन को यानी फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको सबसे पहले टिश्यू को अपने फेस पे रखना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देना है। उसके बाद आपको टिश्यू को हटाना है, उसके बाद अपनी फिंगर्स में उस टिश्यू को रैप करना है, ठीक वैसे ही जैसे आप फॉइल पेपर में रोटियां रैप करते हैं अपने टिफ़िन में ले जाने के लिए। रैप करने के बाद अच्छे से अपने फेस को उससे क्लीन करना है। जब आप क्लीन करेंगे तो टिश्यू में आपके फेस की जो गंदगी है, जो भी डर्टीनेस है, वो सारी उस टिश्यू में आ जाने वाली है। मैंने वीडियो में दिखाया है, देखो गंदा टिश्यू आप देख पा रहे होंगे, इतना सारा जो डर्ट था, जो गंदगी थी, वो मेरे फेस पे थी। अगर मैं इसके ऊपर मेकअप करती तो ये ऑफकोर्स पैची होता, और हमें पैची मेकअप जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है। हमें पैची मेकअप की तरफ जाना ही नहीं है। इतना करने के बाद पर आप अपने लिप्स को भूल गए हैं, जिससे ब्लड निकल रहा होता है, जो लोग खाते हैं उनका, जैसे मैं अपने लिप्स को खाती हूँ तो उससे ब्लड निकलता है, यस, और जो फटे फटे भी हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लिप्स के साथ नहीं काम करना है भाई। ऐसे लिप्स में अगर हम लिपस्टिक लगाएंगे तो वो डेफिनेटली पैची होगी और वो निकलेगी। तो इसीलिए आप अपने लिप्स में लिप बाम का यूज़ करें मेकअप को शुरू करने से पहले, ताकि जब तक आप पूरा मेकअप कर रहे हैं और आप लिपस्टिक तक पहुँचे तो वो जो लिप बाम है वो आपके लिप्स में जाके अब्सॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से जो आपकी लिपस्टिक है वो बिल्कुल मैट फिनिश ही दे। इतना करने के बाद चलिए प्रेप करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैक्मे की पीच मिल्क क्रीम ले ली है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मिल्क बेस है और वाटर बेस है, जिसकी वजह से इसमें जो स्टिकीनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको लगा के दिखाई है, अपनी फिंगर्स पर टच करके भी दिखाई है कि इसमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। तो आप भी ऐसा ही मॉइस्चराइज़र अपने लिए चूज़ करें, और जिसकी ड्राई स्किन है वो थोड़े ऑयल बेस मॉइस्चराइज़र पर जा सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमें अपने बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए एक स्टेप फॉलो करना है, जो कि है प्राइमर। प्राइमर नाम तो इतना बड़ा नहीं है, पर जो प्राइमर का काम है वो बहुत बड़ा है भाई। जब काम इतना बड़ा है तो इस स्टेप को हम चाहकर भी मिस नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो प्राइमर है वो आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बेस को फ्लॉलेस दिखाने में हेल्प करता है, और बेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है, जिससे आपका मेकअप जो है बिल्कुल भी पैची नहीं लगने वाला है, केकी नहीं लगने वाला है। तो अगर आप भी पैची और केकी मेकअप अवॉइड कर रहे हैं तो प्राइमर लगाना शुरू कर दीजिए। और जिसके पास प्राइमर नहीं है तो उसका जुगाड़ भी मैं आज आपको बता देती हूँ। वो अपने फेस पर वैसलीन थोड़ी सी अप्लाई कर सकता है एज अ प्राइमर, तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल फ्लॉलेस बनेगा और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर यहाँ पर यूज़ किया है, जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। ये आपको 200 और 250 के बीच में मिल जाने वाला है, इतना तो आप लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हो। सब कुछ करने के बाद बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो बहुत से लोग अपनी वीडियोस में फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, बट मैं थोड़ा फाउंडेशन अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी की बीबी क्रीम ले लिया, जो कि फाउंडेशन बेस में ही है, बट वो बीबी क्रीम है। और जो ये है इसका भी थिन टेक्सचर है, बहुत अच्छी है। इसके रिज़ल्ट आप इस वीडियो में आज देख लेने वाले हो। तो मैंने अपने फेस पर डॉट्स अप्लाई कर लिए, अपने फेस पर बहुत सारी डॉट्स अप्लाई कर लिए, जिसकी वजह से मेरा जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो जल्दी और ईजिली ब्लेंड होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर देगा, एकदम स्मूथ बेस निकल के आएगा, जैसा कि मैं आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका बेस निखर के आएगा, खिलकर आएगा। अगर आप भी चाहते हैं आपका बेस खिलकर आए और अलग ही एक बढ़िया तरह का पार्लर वाला बेस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप भी फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करें। इतना हो जाने के बाद अंडर आईज आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वहाँ पर लाइंस पड़ जाती है। तो
अंडर आइज़ पे आपको ज़्यादा केयरफुल होके फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, ताकि वहाँ पर जो है लाइन ना पड़े, और जो आपका लाफिंग एरिया होता है उधर भी आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। इतना करने के बाद जो आपका फेस है उसको स्लीम दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी का गोल शेप में होता है, किसी का डायमंड शेप में होता है, किसी का हर्ट शेप में होता है, किसी का स्क्वायर शेप में होता है। जो परफेक्ट शेप होती है वो फेस की ओवल होती है, तो मुझे भी उसी शेप में अपने फेस को लाना है, जिसके लिए जो मेरी मदद करेगी वो है कॉन्टोर। तो यस, कॉन्टोर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और याद रहे, जो आप कॉन्टोरिंग में डॉट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल लाइन वाइज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी टेढ़ी हुई तो आपकी जो फेस की शेप है या नोज़ की शेप है वो पूरी तरह से बिगड़ जाने वाली है। आपने तो देखा ही होगा, जो कॉन्टोरिंग आपके फेस को स्लिम दिखा सकती है, वही कॉन्टोरिंग आपके फेस को बहुत ज़्यादा भद्दा भी दिखा सकती है। तो प्लीज़ कॉन्टोरिंग बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जो आपके फेस को अच्छा और बुरा भी दिखा सकता है। कॉन्टोरिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर कंसीलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आपने फाउंडेशन लगा लिया बट कहीं ना कहीं अभी भी आपके डार्क सर्कल्स जो हैं और जो पिगमेंटेशन है वो देखने के लिए मिल रही है। तो उसको पूरी तरह से हाइड करने के लिए ये कंसीलर ही आपकी जादू की छड़ी है, बोले तो शकलक का बोम बोम वाली पेंसिल है। तो इसका अप्लाई मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसे भी मैं बहुत अच्छे से बारीकी से और टाइम के साथ ब्लेंड करूँगी। ऑफकोर्स मैं दोबारा बताती हूँ, जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना अच्छा आपका मेकअप का बेस क्रिएट होगा और उतना ही फ्लॉलेस लगेगा। सब चाहते हैं कि जो हमारा बेस है वो बहुत फ्लॉलेस दिखे, लॉन्ग लास्टिंग हो और स्मूथी और शाइनी भी हो। तो उसके लिए यार थोड़ा सा टाइम तो लगाना पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे से ब्लेंड करें। कोई आपकी बुलेट ट्रेन या राजधानी ट्रेन नहीं छूटने वाली है, इसलिए आराम से ब्लेंड करें। इतना करने के बाद जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर आपको भी ऐसी टिक एंड ट्रिप्स जाननी है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए, और उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप भी मेरी तरह यही सोचते हैं कि महंगे प्रोडक्ट से मेकअप अच्छा होता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा क्रिएट होता है। अगर मैं भी फाउंडेशन को सिर्फ ऐसे ही अपने मुंह में अप्लाई कर देती, अपने फेस पर डॉट वाइज अप्लाई कर देती, या फिर हाथ में रगड़ के, पाम में रगड़ के उसे अप्लाई कर देती, तो मेरा बेस इतना अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको फिंगर से उसे मिक्सअप करना है यार, उसका जो ऑयल है वो रिड्यूज़ होगा, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, तभी आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना, वो हमें लगते छोटे हैं पर उनका जो काम होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ऐसी ट्रिक एंड ट्रिप्स आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलने वाली है। तो मेरे चैनल पर अगर आ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही बाहर जाइएगा, ठीक है। पाउडर लॉक जो है वो कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर आपके पास लूज पाउडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप उससे भी अपने फेस का जो बेस है उसे लॉक कर सकते हैं। बेस को लॉक करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो जो आपका बेस है वो बह जाने वाला है और बिल्कुल पैची नज़र आने वाला है, ठीक है। इतना करने के बाद जो आपके गाल हैं उन्हें थोड़ा सा गुलाबी करते हैं और उनमें एक अच्छा सा निखार लेकर आते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल लगने वाला है। तो जिसके लिए आपको करना है ब्लश का यूज़। आपको ब्लश बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, डैप डैप करके लगाना है, आरामदायक हाथों से लगाना है, बिल्कुल भी कठोर हाथ का यूज़ आपको नहीं करना है। इतना करने के बाद जो मेरा फेवरेट वीडियो का पार्ट होता है, और जो हमेशा से ही मेरा फेवरेट पार्ट वीडियो का रहा है, वो होता है हाइलाइटर। तो यस, हाइलाइटर भी मैंने अपने फेस पर लगा लिया है। आपको भी बिल्कुल हाइलाइटर ऐसा लगाना है। शुगर का जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट उसका जो टेक्स्चर है और जो उसका शाइनी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसे ले सकते हैं। इतना करने के बाद जब सारा मेकअप हो गया तो हम अपनी आईज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो आईज़ पर भी हमें उतना ही फोकस करना है। ऑफकोर्स जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो मतलब बहुत सामने वाला जो देख के वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है हमसे, यार कितना अच्छा बेस है। पड़ोस वाली आंटी ऐसे कहती होंगी, यार कितना अच्छा बेस क्रिएट किया है, कितना अच्छा मेकअप लगता है,
मेकअप कराए, लगता है पार्लर से रेडी होकर आई है, पक्का 2-3 हज़ार रुपये फूंक दिए होंगे इसने। तो ऐसा नहीं होता है, सब लोग पार्लर से तैयार नहीं होते हैं, जो भी बिगनर्स हैं वो इस तरह से रेडी हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता दूँ, वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कागार पर आ गई है। वैसे तो वीडियो भी काफ़ी बाकी है, बट फिर भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने की सीढ़ी पर आ चुकी है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि मेकअप ऐसे करना है, ठीक है, मेकअप ऐसे करना है, इतना करना है, वैसे करना है, टिक एंड ट्रिप्स भी शेयर करती है। बट मैं ये वीडियो और ये मेकअप क्यों लाई हूँ, मैं वीडियो अभी रिसेंट में क्यों लेके आ रही हूँ, तो अगर जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दूँ, यार रिसेंट में अभी 30 आ जो कि कल या परसों है, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर ये नहीं होता है, बट मुझे मम्मी ने सडनली बताया कि 30 है, तो मैंने भी फटाफट अपनी दिमाग को घुमाया और बोला चलो भाई करते हैं तीज की वीडियो रेडी। क्योंकि यार मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें मेकअप करना नहीं आता है, वो भी तीज का फास्ट रखेंगे, तो बहुत ज़रूरी था। तो मैं फटाफट से क्विक मेकअप लेके आई हूँ अपने बिगनर सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए और बिल्कुल ऐसा ही मेकअप करके बाहर चले जाइए। अगर आपका पड़ोसी ये ना कहे कि आपने 2000 का मेकअप कराया है, तो यार मुझे कमेंट करके बता देना कि ऐसा नहीं कहा, इतना अच्छा मेकअप देखकर कोई भी ये कह देने वाला है कि आप पार्लर से होकर आए हैं रेडी। इतना करने के बाद जो इसमें हेयर स्टाइल है ना, वो तो यार इतना गजब है कि मैं आपको क्या बताऊं। सब कुछ, मुंह तो आपका रेडी हो गया, पर बाल जो भगवान ने इतने खूबसूरत और इतने लंबे बाल जो आपको दिए हैं, उनको भी तो भाई ड्रेसअप करना बनता है ना, तो उसको भी आज हम अच्छे से ड्रेसअप करने वाले हैं आज इस वीडियो में। बहुत सिंपल सा मैं हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, बट यार मैं इस वीडियो में फुल हेयर स्टाइल नहीं लेके आई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं जो हेयर स्टाइल को है वो थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो आप लोग देख नहीं पाते और आप लोग बोर हो जाते, और मैं नहीं चाहती जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियो देख के बिल्कुल भी बोर हो। तो अगर आपको ये वाला हेयर स्टाइल पूरी तरह से जानना है कि हेयर स्टाइल आखिर बना कैसे, तो मुझे कॉमेंट में बता देना, मैं आपके साथ इसका शॉर्ट्स जो है शेयर कर देने वाली हूँ, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप ये वाला जूड़ा देख लोगे कि ये आखिर बना कैसे। यार इतना गजब का बन बना था ना कि मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और अगर इसमें आप थोड़ी सी हेयर एक्सेसरीज और डाल देते ना भाई, बिल्कुल ब्राइडल बन बन के तैयार हुआ था। यार मैं कहती हूँ ना, टाइम लगा लो पर चीज़ ऐसी करो कि सामने वाले की आंखें बिल्कुल आपसे हटे ही ना। तो जब आप ये बन बना के जाओगे ना, तो सामने वाले की आंखें आपसे हटने नहीं वाली हैं, वो खुद आकर आपसे पूछेंगे यार तूने ये कैसे बनाया, यार आपने ये कैसे बनाया, आपने ये कहाँ देखा, पार्लर से रेडी होके आए हो, पार्लर से बाल बनवा के आए हो, कितने रुपये दिए यार। ऐसा बन आज आपका रेडी होने वाला है, वो भी सिर्फ गुप्ता फैशन वर्ल्ड की इस लेटेस्ट वीडियो में। तीज स्पेशल वीडियो जो आज मैंने रेडी की है, उसमें आपको ऐसा बन देखने के लिए मिलने वाला है। और जो भी टिक एंड ट्रिप्स मैंने आपको शेयर की है, वो आपकी पूरी लाइफ में और जब भी आप मेकअप करेंगे, वो सारी टिक एंड ट्रिप्स आपके मेकअप में काम आने वाली है। अगर आपके पास हेयर स्प्रे है तो वो है सोने में सुहागा। यस, जैसे अक्षय तृतीया में सोने में सुहागा हो जाता है ना, सोना सस्ता होते ही सब लेने भाग जाते हैं, बिल्कुल अगर आपके पास हेयर स्प्रे है तो आपके बाल भी बिल्कुल बढ़िया खिल के आने वाले हैं। पर यार मेरे पास तो हेयर स्प्रे नहीं था, बट फिर भी बहुत अच्छा बना। तो जिनके पास हेयर स्प्रे नहीं है, वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि मेरे पास तो हेयर स्प्रे ही नहीं है, मैं कैसे बना सकती हूँ, मुझसे नहीं बनेगा यार। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, इसमें सिर्फ एक रबर बैंड चाहिए। सीरियसली आप समझ पा रहे हैं, रबर बैंड चाहिए जो आपको मार्केट में 10 रुपये की आराम से मिल जाती है, और आपको चाहिए जूड़ा पेन, 2 या 1 जोड़ा पिन में आपका हो जाने वाला है पूरे डिब्बी में। यार तो इससे इजी बन आपको कहीं देखने को मिलने नहीं वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही बाहर जाइएगा, ऐसी वीडियोस और ऐसी हैक्स आपको किसी चैनल में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो बन जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया, बस इसमें जूड़ा पिन लगा के इसे सिक्योर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं पसंद जो रास्ते में जाके खुल जाए। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को कभी भी ऐसा हेयर स्टाइल नहीं सजेस्ट करूँगी, ना ही ऐसी वीडियो या ऐसी शॉर्ट्स लेके आऊँगी जो बीच रास्ते में आपको धोखा दे दे। तो मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल लाती हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं।
ठीक है, जो आपके हेयर स्टाइल सोने पर भी नहीं खुलेंगे, ऐसे हेयर स्टाइल मैं आपके साथ लेके आती हूँ, इतने अच्छे से सिक्योर कर देती हूँ। तो जूड़ा बन के रेडी हो गया है और पूरी मैं भी बन के रेडी हो गई हूँ। बट सबसे कन्फ्यूजिंग जो चीज़ थी उसमें ये थी कि पहले तो मैंने लगाई रेड बिंदी, मैं तो भाई कन्फ्यूज़ हो ली कि रेड लगाऊँ या ब्लैक लगाऊँ। रेड तो इतनी बड़ी थी कि वो बंगाली रुक दे रही थी। तो यार मैं जैसा ट्रेडिशनल लुक मैंने माइंड में अपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही लुक क्रिएट होके आया। इसी के साथ थोड़ा सा अपनी ज्वेलरी और साड़ी का शो ऑफ कर देती हूँ और थोड़े से स्टाइल मार के दिखा देती हूँ। ऑफकोर्स इतनी बड़ी वीडियो क्रिएट करने के बाद अगर मैं थोड़े स्टाइल भी ना मारूँ तो सारी वीडियो वेस्ट है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो ना पसंद आए तो मेरी मेहनत भी वेस्ट है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।